वो प्लान बनाया और उस प्लान के अंदर ट्राई किया कि जो वास्तु है वो बैलेंस रहे। वास्तु जो फाइव फीचर्स हैं बेसिकली उन्हीं पे डिपेंडेंट है, और इसके अलावा मैं उसको दूसरे किसी अंधविश्वास के साथ नहीं जोड़ता हूं। तो ये सब एक लाइक जैसे एक लर्निंग थी, और उस लर्निंग के साथ में ये थोड़ा सा मुझको आइडिया हुआ। फिर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज मुझको बड़ा अजीब लगता है कि मुझको लॉजिक समझ नहीं आया कि आप कोई ऐसी चीज रख दीजिए या वैसा चीज रख दीजिए तो वास्तु ठीक हो जाएगा, ये कर देंगे तो वास्तु ठीक हो जाएगा। अब वास्तु जो है वो फाइव एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट को रखने से कैसे बैलेंस होगा इसको मैं अभी भी सोचता हूं। लेकिन अगर सिंपली मैं कहूं तो अगर आप वास्तु से परेशान हैं तो मेरा एक सजेशन है कि वास्तु आपके घर में ही काम करता है ना, आपके घर से बाहर तो काम नहीं करेगा। आप घर में कितने टाइम रहते हैं है? अगर आप घर में जो है परमानेंट ही घर में रहते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते तो मैं भी थोड़ा बोल सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि तब वास्तु काम कर सकता होगा। लेकिन अगर आप घर से बाहर रहेंगे, नेचर के पास रहेंगे, नेचर में इन्वॉल्व होंगे, तो वास्तु क्या करेगा? अगर कहीं सपोज किया टेक्निकली साइंटिफिकली वास्तु के डिफेक्ट्स भी हैं, वो कोई एनर्जी वहां पर ऐसी क्रिएट हो चुकी है, तो यू जस्ट ऑब्जर्व कि भाई आप थोड़ा सा प्रिकॉशन से ले लेंगे उस एनर्जी को, कैसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी का। कुछ वीडियो में मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाए थे जहां पैरा एनर्जी की बात करते हैं, उसको मेजर करते हैं, वो ट्रू है। और उसका लॉजिक ये है कि जो हम लोगों की अर्थ है वो नॉर्थ साइड नॉर्थ ईस्ट साइड से मैग्नेटिक फील्ड चलता है और वो साउथ डायरेक्शन में जाके खत्म होता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो 20 से 60 माइक्रो टेस्ला है। अगर उस वैल्यू के बीच रहती है तो नॉर्मल है, उससे कम या ज्यादा होगी तो थोड़ा सा कोई अफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। वो क्या अफेक्ट है? तो लॉजिकली हम लोगों के यहाँ बोलते हैं कि नॉर्थ की साइड में आप सिर मत रख के सोइए, राइट? तो उसका कोई लॉजिक होगा, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो बोलते हैं कि आप नॉर्थ की साइड को फेस करिए। तो यहाँ एक एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल का कंसेप्ट हो सकता है, जो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर कुछ डाइपोल होंगे, ये थोड़ा साइंटिफिकली है। तो इस तरीके की लर्निंग चलता है अभी। फिर हाउस कंस्ट्रक्शन का हुआ, फिर वास्तु आया, फिर ब्लॉगिंग आया, फिर डिजिटल मार्केटिंग आया, और ये सब पैरेलल चलता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जहां मैं शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूं, और कि भाई ऐसा ऐसा प्रोसेस है लाइफ का और इस तरीके से मैं काम करता हूं। तो अब दूसरे पॉइंट यह है कि अब आपने वीडियो देख लिया, और वहां भी मैनी हंड्रेड्स वीडियो आई हैव अपलोडेड, और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये काम या ये जो स्टडी है वो इस टाइप से है, मेरा पर्पज इतना है वीडियोस का, और आपकी मैं कोई हेल्प कर पाऊं इस मीडियम के थ्रू। तो अब देखिए कि उन वीडियोस का जो रेस्पॉन्स है, अभी किसी वीडियो को अगर 5 लाख लोग देख चुके हैं तो कम से कम 100 तो कमेंट होंगे वहां पर। तो ऐसे ऐसे वो मैनी हंड्रेड्स वीडियोस हैं जहां पे मोर देन लैक्स और 50,000 से ज्यादा भी जो है व्यूज हैं। तो अगर सभी लोग कमेंट करते हैं तो अब जस्ट इमेजिन कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सभी का आंसर दे पाऊं। लेकिन जब भी संडे या कोई ऐसा ब्रेक आता है हॉलीडे, तो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द रेस्पॉन्स। और जनरली मेरा ये भी रहता है कि अगर कोई वहां पर कमेंट करता है कमेंट के साथ में, तो उसको डिलीट ना करूं, कि एक जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी उस प्रॉब्लम को सोल्व करती है। मैं आइडिया दे रहा हूं समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो मेरा लॉजिक है या जो मेरा एडवाइस है वो किसी को सूट नहीं करता है, राइट? तो वो क्या करेगा कि वहां अपना लॉजिक बताएगा या अपनी एडवाइस देगा।
लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो वहां से कंक्लूड कर सकती है जो भी गलत या सही है, राइट। तो इन वीडियोस के थ्रू सभी का जो रेस्पॉन्स है मैं नहीं दे पा रहा हूं, और मुश्किल है सिंगल पर्सन के लिए, जहां मैं मतलब आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूं, लर्निंग द न्यू थिंग्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम ग्रोइंग एज वाइज। सो नाउडेज जो सिटिंग है वो कितना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, तो यू कैन कोलैबोरेट एंड यू कैन एसोसिएट, आई कैन आल्सो एसोसिएट विद यू, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी साइंटिफिकली। तो ये कुछ पॉइंट हैं जहां मैं ट्राई करता हूं, एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, जो भी नई नई चीजें हैं। तो ये मेरी लाइफ का जो अभी है शॉर्टकट साइकिल है। आपकी साइड से जो कमेंट है रीड तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसको जब जवाब देना होगा तो जवाब कम से कम आप ये यकीन करिए कि कोई भी जवाब जब आप किसी को देंगे पब्लिकली तो उसमें उसका एक फेथ होगा, और वो कहीं टेक्निकल रॉन्ग हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं सभी जो वीडियोस हैं उसमें बोला भी है और बोलता रहा हूं बीच बीच में कि ये जो है इंफॉर्मेशन के लिए है आप, और वैसे भी जनरली YouTube के थ्रू कोई एडवाइज कर सकता है और टेक्निकली उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। मैं टेक्निकली साइड बैठ के आपको कोई चीज बोल रहा हूं, लेकिन आप किस प्लेटफॉर्म पे है वो भी तो मैटर करता है। तो आज के दिन ये अभी मेरा विंटर ब्रेक चला हुआ है, अभी मैं संडे तक जो है मेरे पास में अपने कुछ जो टेक्निकल वर्क है मैं उन्हीं को जो थोड़ा शेप देने की ट्राई कर रहा हूं कि वो शेप ले लें और ज्यादा अच्छे से वो सर्व कर पाए जो इंफॉर्मेशन है। तो आपको लगता है कि आप अगर मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि मुझको आपके साथ में एसोसिएट हो जाना चाहिए, मोस्ट वेलकम, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है वो ओपन एक्सेस अप्रोच है। जो साइंटिफिकली ओपन एक्सेस का मतलब ये है कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ में शेयर कर रहे हैं वो एक तरीके से पेड ना हो, उस पे कोई वॉल ना लगी हो, पे वॉल ना लगा हो दूसरी साइड इंफॉर्मेशन जानने के लिए, और वो ओपन हो, उसको जो चाहे तो आप शेयर करें, जो चाहे उसको यूज करें, जो चाहे तो सेल करें, फर्दर री यूज करें प्रोफेशनली कमर्शियली जैसे भी मन करता है। तो अभी जो लेटेस्ट मैं वीडियो अपडेट करता हूं वो क्रिएटिव कॉमन जो लाइसेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपडेट करता हूं, और जो सभी पिछली वीडियो हैं जब भी टाइम लगता है उनको सभी को धीरे धीरे क्रिएटिव कॉमन जो लाइसेंस है उसमें चेंज कर रहा हूं। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का बेनिफिट ये है कि उस वीडियो को आप रीयूज कर सकते हैं, आप उसको कहीं सेल कर सकते हैं, आप उसको उसका रेफरेंस कहीं और यूज कर सकते हैं, आपको जो ओनर है उससे परमिशन लेने का कोई टेंशन नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो ओपन एक्सेस है। तो यूट्यूब पर ये थोड़ा सा है कि अगर जो लोग यूट्यूबर हैं वो जनरली इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां इसलिए मैं अभी पूरा का पूरा जितना भी वीडियोज हैं सबको ओपन एक्सेस कर दिया है। तो आपके साथ ये जो वीडियो है मन था कि अपना कुछ पॉइंट आपके साथ में शेयर करूं, कुछ अपने बारे में बताऊं जो वर्किंग है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि अब आप काफी लोग साथ में जुड़ चुके हैं, तो इट इज मस्ट फॉर मी दैट
शुड बी वेरी क्लियर कि भाई मैं क्या करता हूँ, क्या एक्टिविटी है, क्या प्लानिंग है, और ये जो माध्यम है इस माध्यम का क्या रोल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एंड तक देख पाए हैं तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका, एंड विश यू वंस अगेन ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2019।